शूट भी हुआ है, शार्प शूट भी शूट किया। मुझे लगता कि तेज धार जो है वो तेजी से लोगों तक पहुंचेगा, जनता तक पहुंचेगा, और मुझे लगता है कि ये हिट होने से इसे कोई पार्टी नहीं रोक सकती। पहले तो मैं अनुपम जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, इनको हैप्पी बर्थडे की अपनी गुड विशेज दूंगा, ब्लेसिंग दूंगा। बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, इनकी लाइफ ब्यूटीफुल रहे। एंड आई आल्सो कंग्रेचुलेट हर फॉर रिलीज ऑफ दिस तेज धार म्यूजिक एल्बम। एंड आई थिंक दिस विल क्रिएट ए इन ए कंट्री लाइक इंडिया where people are very fond of music and they love music, and it will become very popular. I give her all my best wishes so that this music album will launch today, will go India over and world over. I've been director of Air India in airline field, but she's a very loving person, very talented person. I've been watching her for quite some time, and I'm sure she will again prove her worth by releasing this song today, and all the best. Thank you so much. आपने गाने सुने हैं, तो किस तरह का मतलब टेस्ट आपको गाने में? मुझे तो बड़ा हॉट सा, मतलब ऐसा तेज तरह गाना लगा है। आई रियली इंजॉयड इट आवर शूटिंग, क्योंकि मेरे को इन्होंने ब्रीफ जरूर किया था पहले कभी इस गाने के बारे में, पर रियली जो आपके जो शब्द हैं इस गाने के, तो और जो इसका टाइटल है सॉन्ग है, वो गाने से मैच करता है, तो यही बड़ी खूबी है गाने का। आई एम श्योर इट बी सो सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो मैं इनका नाम सुन के बहुत प्रसन्न हुआ। अभी हर हर महादेव मुझे बता रहे थे कि अनुपम महिला का ही नाम होता है। तरुण खन्ना बता रहे थे महादेव भाई, हमारे लिए टीवी के जैसे अरुण गोविल जी राम है, मुकेश खन्ना जी विष्णु पितामह है, वैसे आप हमारे लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव का मैं इसलिए भी भक्त हूँ क्योंकि मेरे पिताजी का नाम भी शंकर था। अब तो दुनिया में नहीं है, लेकिन जहाँ भी होगे शंकर तो एवरीवेयर होते। तो अनुपम ये शब्द जो है, मुझे नाम बहुत अच्छा लगा आपका, और जब जो नाम हट के होता है वो बहुत डट के होता है, वो फिर बढ़ता ही बढ़ता है। मतलब मुझे लगता है कि एंटिक नाम जो है, जैसे वो उनको हमेशा एक नया शब्द होता है तो लोगों को सुनने में और फटाफट चर्चा में आ जाता है, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका टाइम से ये एल्बम जो आ रहा है बिल्कुल टाइम पे आ रहा है, और अब आपका टाइम आ रहा है। तो अनुपम जी, तो अनुपम जी भगवान इनकी खैर करे और इनको भी वही सफलता दे जो एक डिजर्विंग स्टार को, एक्टर को मिलती है। थैंक यू सो मच अनुपम जी, आज आपका जन्मदिन है, तो मैं ये भी कहूँगा कि आप जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, करते रहो अपने टैलेंट से कमाल और धमाल। यही तहे दिल से दुआ दे रहा आपका फैन सुनील पाल, एंड मीडिया लव यू ऑल। मैं ये कहूँगा जी, इनका नाम ही इतना अनुपम है, तो एक तो नाम अनुपम, ऊपर से अनुपम का अर्थ जो होता है वो बहुत कमाल होता है। कोई हम कहते हैं ना अनुपम है आभा इनकी,
तो अनुपम है हुनर इनका, टैलेंट इनका, तो मैं इसके ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। पहले तो इनको दोहरी मुबारकबाद, इनका जन्मदिन था कल और अभी इनकी एल्बम साथ में आ रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक बड़ी अच्छी कहावत है संस्कृत में हमारी, ईश्वर यत करोति शोभनम करोति, यानी भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, और जिस समय करता है वो समय वही अच्छा होता है जी। तो अब इनका ये समय आया था, जैसा कि सुनील भाई ने इतनी बड़ी बात कही कि अब इनका समय आ गया है, तो आप लोगों के मार्फत हम लोगों तक ये पहुंचा रहे हैं कि भाई इनकी ये एल्बम देखें, इसे सराहें, प्यार दें, ताकि ये अपने टैलेंट से और नए नए ऐसे प्रोग्राम, ऐसी म्यूज़िक आप लोगों के सामने लाती है। जी, ये सॉन्ग मैंने पंजाब में किया है, कर्मा आर्ट्स स्टूडियो में, आपने शायद सुना होगा, रोपड़ में है ये फिल्म सिटी। और इसका रैप जो है वो बेनीवाल भूपेंद्र उन्होंने किया है, और दूसरा सिंग जो है वो मैंने खुद किया है, प्रोड्यूस मैंने किया है, और हाफ ऑफ द वे डायरेक्ट भी मैंने किया है, और जीतू हमारे एडिटर हैं जो यहाँ पे हैं। जीतू रो मुझे तो लगता है कि इस एल्बम की सफलता के बाद ये टीडीएस होने वाली है, तेज धार सिंगर। मुझे बस आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए। सॉन्ग के वर्डिंग्स हैं, मैं छोरी बड़ी तेज धार, थोड़ा सा सुना की ना। हाँ, थोड़ा सा ये तो जरा सुनाइए ना, हम भी थोड़ा ताली भी बजाएं। ओके, मैं छोरी बड़ी तेज धार, आंखें मेरी जैसे तीर कमान, सीना में चलनी कर दो, करो ऐसा वार, उफ बारूद बदन जैसे लोडेड गन, तेरे दिल पे धर के प्यार का तिगर दबाऊ, मैं चोरी तेज। बाकी अभी आप ट्रेलर देखेंगे म्यूजिक का। ये तेज धार एल्बम हर आदमी खरीदेगा, हर आदमी सुनेगा, चाहे लेना पड़ेगा उधार, लेकिन सुनेगा तेज धार।